अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में पाकसेट पर गोल न्यूज़ जो है वो गोल नेटवर्क पाकसेट पर मुंतकिल हो गया है या नहीं, इस बारे में वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, YouTube पर इस वक्त वीडियोस की भरमार हो चुकी है कि जी बोल नेटवर्क जो है वो 76 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट से लेफ्ट करके जो है वो पाक सेट पर इस वक्त जो है वो ऐड हो चुका है। तो आज की वीडियो इसी बारे में आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो ऐड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल डिटेल मिल सके। दोस्तों, पाक सेट पर जो बोल नेटवर्क इस वक्त इस फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है वो एक प्राइवेट चैनल है और ओरिजिनल बोल टीवी नेटवर्क जो है उससे उसका कोई लेना देना नहीं और उसकी किसी किस्म की कोई नशरियात जो है वो इस वक्त पाक सेट पर जो है वो ऑन एयर नहीं हो सकी, हुई और होने वाली। इसकी वजह ये है कि पाक सेट जो है सेटेलाइट इसके जो महाना चार्जेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं और इस सेटेलाइट का जो है पता नहीं होता कि किस वक्त जो है वो सिग्नल दे और किस वक्त ना दे। तो इसलिए जो है ये नेटवर्क जो है बोल नेटवर्क ये मुकम्मल तौर पर जो है वो पाक सेट पर मुंतकिल नहीं हो सकता। बाकी इस बोल नेटवर्क की रेपुटेशन जो इस वक्त 76 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट पर है, अगर वो वहाँ से लेफ्ट करके पाक सेट पर शिफ्ट होता है तो उसकी वो जो रेपुटेशन है वो जो है वो दोबारा से जो है वो बहाल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए अभी तक इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि जो है वो एपस्टार 76 डिग्री सीड बैंड सेटेलाइट से बोल नेटवर्क जो है वो पाक सेट पर शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।